गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं फिर नए वीडियो की शुरुआत और आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। लास्ट टाइम हमने किया था इस बाइक का कंपैरिजन, हमने किया था अपनी एमटी के साथ। थोड़ी गालियाँ भी हमें पड़ी थी उस वीडियो में, कोई बात नहीं, हमने झेल ली थी वो गालियाँ। करते हैं आज फिर से एक नया कंपैरिजन, नया सेगमेंट। और इसका कंपैरिजन करने के पीछे रीजन बिहाइंड इज कि इनका प्राइस सेगमेंट सेम पड़ता है। इधर है हमारे पास KTM की ड्यूक 250, जो इस सेगमेंट में प्राइस सेगमेंट में कोई और बाइक नहीं मिलती, 260 की आती है ये। और इधर ही मैं देखूंगा आपकी जावा पेराक अपनी 260 के आसपास की पड़ेगी। इसमें एक्सेसरीज लगी हुई है बहुत ज़्यादा, 30,000 के आसपास की इसमें एक्सेसरीज है, क्योंकि इसमें पीछे ये वाली पिलियन सीट नहीं आती है। और वहाँ पे आपको स्टॉक पिलियन सीट मिलेगी, वो प्रॉपर नेकेड बाइक है, ये एक रेट्रो बाइक है, पूरा ऐसे रेट्रो लुक देने की कंपनी ने पूरी कोशिश की है। पर लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सी बाइक अपने हिसाब से लेनी चाहिए। अगर आप एक पावरफुल मशीन के पीछे भाग रहे हो, जो आपको ब्रूटल पावर चाहिए कि आप थ्रॉटल पुश करो और बाइक निकले, तो फिर तो ड्यूक ही है भाई, ड्यूक ही निकलेगी ऐसे तो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, थोड़ा फन टू राइड हो, बस थोड़ी 80-90 तक बाइक ब्रूटल पावर मारे, उसके बाद पावर किसी कुछ खास जरूरत है नहीं, लोकल में आपको बाइक चलानी है, तो आप सिटी राइड्स के लिए आप जावा पेराक की तरफ जा सकते हो। आराम से बैग टंगाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। और प्रॉपर आपको राइड करनी है, अच्छी खासी आपको पावर चाहिए, तो फिर तो भाई आपको ड्यूक के साथ ही जाना मेरे हिसाब से सही रहेगा। ड्यूक कहाँ कहाँ अच्छी है जावा से मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूक की हेडलाइट उससे अच्छी है, ड्यूक के शोकर्स आगे वाले उससे अच्छे हैं, ड्यूक की माइलेज के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बाइक बहुत नई है, पर लेकिन माइलेज फिर भी जावा का इंजन थोड़ा ज़्यादा ही निकालेगा मेरे हिसाब से। ऑल दो द इंजन इज 334 cc एंड हेयर इज 250 cc, फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा निकाल सकता है। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर तो है, पर लेकिन इसके अंदर ट्यूब है क्योंकि ये स्पोक व्हील है, इसमें ट्यूब डालनी पड़ती है। इधर आपको अलॉयज मिलेंगे और आप हमारा ट्यूबलेस टायर मिलेगा जो ज़्यादा रिलायबल रहता है उससे, और इजी टू मेंटेन है, कहीं भी पंचर हुआ आप लगा सकते हैं, इसमें पूरा व्हील खोलना पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। पीछे भी सेम सिनेरियो है टायर में, दोनों बाइक में आपको डबल चैनल ABS तो मिल ही जाएगा देखने के लिए। इधर आपको 140 नंबर का टायर मिलेगा सीएट जूम सीरीज, यहाँ पे हमें टायर मिलेगा 150 नंबर का MRF की रेड सीरीज। मैं टायर की ब्रांड और उसका साइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप नई बाइक ले रहे होते तो बहुत लोग ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, पर लेकिन देखनी चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना ही दूंगा बहुत जल्दी। इंडिकेटर यहाँ पे आपको टिपिकल KTM वाले मिलेंगे, जो KTM अपनी हर बाइक में और बजाज यूज़ करता है। यहाँ पे हमें बिल्कुल नया लुक देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अटैच है इस वाले इसके साथ, जो भी इसको कहते हैं रोड। यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंगल साइड एग्जॉस्ट मिलेगा। कंफर्ट की अगर बात करें तो सीट कंफर्ट तो ऑब्वियसली ड्यूक में ही ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूक में बैठने का स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आप आराम से फैल के बैठ सकते हैं और आपकी ग्रिपिंग जो थाई ग्रिप होगी वो यहाँ से बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगेन सेम चीज़ कहूँगा, अगर आपको कम बाइक चलानी है, सिटी में बाइक चलानी है, तो आप श्योरली पैरा के साथ जाइए। अगर आपको प्रॉपर राइडिंग करनी है तो फिर तो ड्यूक 250 ही आपके लिए ऑप्शन बचेगा। जावा न्यू लुक है, अच्छा है देखने में, अब ठीक है, अट्रैक्टिव तो है ही, पर लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखिए, भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। RPM यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पेट्रोल का, इंजन का, जो हमारा टेम्परेचर वो भी मिलेगा। वहीं पे जावा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ नहीं मिलता है, सिंपल एनालॉग मीटर, जो कि इस बाइक के लिए परफेक्ट है, कुछ कंपनी ने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। ऑल तो क्वालिटी सेम लग रही है, बिल्कुल सेम ही क्वालिटी लगती है दोनों की। इधर पूरी आपको मेटल बॉडी मिलेगी, उधर मेटल बॉडी का मैं प्लास्टिक ज़्यादा है, बाइक गिरी अगर तो ऑब्वियसली ड्यूक में ज़्यादा खर्चा आपका आने वाला है। पर लेकिन द फाइनल पॉइंट इज आप अपनी पहले राइड को समझिए, आपको राइड किस तरह की करनी है। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करके आपको बताता हूँ, सर्विस कॉस्ट हमारी KTM की ज़्यादा जाने वाली है, इससे क्योंकि KTM अपने बहुत सारे पार्ट्स रेगुलर सर्विस पे चेंज कर देता है और उसके डिस्पैच भी इससे महंगे है। तो ऑब्वियसली ड्यूक इनिशियल में तो आपको सिमिलर लगने वाली है, पर लेकिन बाद में वो आपको खर्चा अच्छा खासा कराने वाली है। टायर्स भी उसके महंगे हैं, उसके डिस्पैच भी महंगे हैं, उसकी सर्विस भी महंगी है, बट उसकी पावर भी ऐसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
ये बाइक, ये बोर्ड देख लो यहाँ पे मिल जाएगी आपको फोर सेल अवेलेबल है। ऑडोमीटर में दिखा देता हूँ कितनी चली हुई है ये वाली बाइक हमारी। ये चली है हमारी 3671 जेन्युइन नई बाइक है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, बाय बाय।